बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मुमताज़ फूड चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वाफिया से होंगे। व्यूअर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज हमारे पास चिकन के लेग पीस हैं, तो आज हम बड़े डिफरेंट तरीके से इनको बनाने की तरकीब आपको सिखाएँगे। तो ये लेग पीस जो है इनको हम कट लगाएँगे छुरी की मदद से मुख्तलिफ जगहों पर। आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से धोया है, सफाई की है इसकी, उसके बाद ये अभी कट लगा रहे हैं। इसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे और फिर उसके अंदर ऑयल के अंदर इसकी फ्राई करेंगे। ये बड़ा डिफरेंट मेथड होगा, आज रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है और इसका एक एक स्टेप जो है उसको क्लीनली आपने देखना है कि ये किस तरह ये रेसिपी तैयार होगी। जी वर, कट लग चुके हैं, अभी ये जो हम इसको मैरिनेशन करेंगे, हमने तीन हिस्सा लिए नमक लिए आधा चम्मच, हमने आधा चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा है उसको भी हमने थोड़ा रोस्टेड बना लिया है फार्म में, तवे के ऊपर थोड़ा भून लिया है, और साथ ही आधा चम्मच हमारे पास हल्दी है। ये तीन अज़ा हम ले लिए हैं, ये इसको हम मुकम्मल तौर पे मैरिनेट कर रहे हैं इस चीज़ से। आप देख सकते हैं ये हम एक घंटा तक इसको रखेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह दूर सके और ये जो मसाले हैं ये अंदर तक इसके अंदर जज़ब हो जाएँ। जी वार, उसको हमने मैरिनेट कर रख दिया है। साथ ही हमारे दूसरे अज़ा जो हमारी इस कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल होंगे उनमें हैं चार टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 300 ग्राम का टमाटर हैं, और 200 ग्राम हमारे पास ये है प्याज, उसको भी हमने काट लिया बारीक। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी 2 चम्मच हमारे पास है। तो ये दूसरे मसाला तैयार करने के लिए अज़ा है। जी वार, दूसरी तरफ हमने ये मिट्टी की कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल भर के डाला है, साथ ही जो हमारे पास प्याज थे उनका पेस्ट बनाया है और पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। अभी इस प्याज की इधर प्रॉपर बनाई करेंगे। ये पेस्ट जो है इससे माशाल्लाह ग्रेवी बड़ी शानदार बनती है और टेक्सचर भी बड़ा ज़बरदस्त इसका आता है। जी वीवर, तो हमारे जो प्याज हैं उनकी आप देख सकते हैं कि भुनाई जो है हो रही है, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं प्याज को डाले हुए, चमचा मुसलसल हिला रहे हैं। अभी देखें इनका लाइट से कलर चेंज हो चुका है। अभी 1-2 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे इसके अंदर। जी व्यूअर, हमारे प्याज जो हैं उनकी भुनाई जो है आप देख सकते हैं हो रही है माशाल्लाह, कलर इनका भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अभी 2 मिनट हो चुके हैं इसको। जी व्यूअर, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं, उसकी भी इधर हमने भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। ये दोनों चीज़ें जो है अभी इसकी भुनाई होती रहेगी, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 4-5 मिनट दोनों को मिला के भुनाई करेंगे इसी अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ हमारा तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, तो हम लेग पीस जो है उनको भी अब आयल के अंदर उसको भी हमने फ्राई करना है। जी और आयल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं उसके अंदर हम जो हमारे लेग पीस हैं वो डाल रहे हैं, इसको हमने फ्राई करना है इधर आयल के अंदर। इसका हमने कच्चा पन दूर करना है, उसके अलावा इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और अंदर तक इसका मुकम्मल तौर पे पक जाएगा माशाल्लाह। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होगी, आपने नेट पे कभी नहीं देखी होगी, ये फर्स्ट टाइम हम आपको दिखा रहे हैं। आप बनाएंगे घर पे खाएंगे तो आप इंशाल्लाह याद रखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। पहले आप लेग पीस के ड्रम स्टिक आप देखते रहते हैं, मुख्तलिफ रेसिपी इसकी देखते रहते हैं, इसकी कढ़ाई देखते रहते हैं, लेकिन वो कढ़ाई सादा होती है, ये हमने आज बड़ा डिफरेंट तरीका है उसके तहत आपको सिखा रहे हैं। जी व्यूअर, लेग पीस को पकते हुए इधर फ्राई होते हुए आयल के अंदर तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अभी इसकी साइड पलट के देखते हैं कि अंदर दूसरी तरफ कैसा मसाला बना। ये आप देखें इसका कलर जो है ये लाइट गोल्डन हो चुका है, देखें इस तरह का चाहिए हमें, हमने बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना। इस तरह इसकी हम साइड पलट देते हैं, ये सारे पीस ये देखें सारे पीस हमने 1 बाय 1 करके इसकी साइड पलटनी है, ये देखें जिधर से हमने कट लगाए थे वो भी आपको बड़ा ज़बरदस्त और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये देखें माशाल्लाह अंदर तक मसाला उनके अंदर जज़ब हो चुका है। अब इस साइड को भी हम पकाएंगे आयल के अंदर फ्राई करेंगे प्रॉपर। जी व्यूअर, हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद प्याज मुकम्मल तौर पे भुनाई हो चुकी है। अभी टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था ये अभी उसके अंदर डाल रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह।
पेस्ट बनाने से बहुत ही ज़बरदस्त की शानदार ग्रेवी तैयार होती है जी। व्यूअर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इस प्याज की भी, ये टमाटर भुनाई हो रही है, प्याज जो है वो ऑलरेडी उसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। टमाटर की भुनाई करेंगे, उसके बाद दीगर मसाला जात इसके अंदर शामिल करेंगे। इधर लेग पीस हमने डाले थे उनका, आप माशाल्लाह आप उसकी लुक चेक कर लें, ये कट लगाए थे कहाँ अंदर तक, बिल्कुल माशाल्लाह उनकी फ्राइंग हो चुकी है मुकम्मल। दोनों साइडें आपको दिखा रहे हैं, ये देखें इसकी दोनों साइडें मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी हैं। ये देख, ये देखें दोनों साइडें इसकी रेडी हैं, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी इसको हम उतार लेते हैं, ये ऐसा शाहकार होगा जो आपने नेट पे कभी नहीं देखा होगा, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। जी और आप देख सकते हैं ये लेग पीस जो है ये हमने माशाल्लाह फ्राई कर लिए हैं और निकाल दिया इसको। अभी दूसरे मसाला जात जो हैं वो कढ़ाई वाले वो हम तैयार कर रहे हैं, उसके बाद ये पीसे उसके अंदर जाएंगे। अच्छा जी व्यूअर, आधा चम्मच हल्दी जो मसाला जात के अंदर है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी हमने। ये एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम स्पेशल मसाला बना रहे हैं जो कि हमारी कढ़ाई के अंदर जो शामिल होगा। दड़ा मिर्च जो है ये भी हमने एक चम्मच डाला है। नमक जो है ये भी तकरीबन आधा चम्मच से ज़्यादा है, आप हसबे जायका जो है ज़रूरत आप कम बेश कर सकते हैं इसके अंदर। ये आधा चम्मच हमने साबुत ज़ीरा का डाला है, ये मसल के हाथ से इसको, और एक कप दही जो है हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये तमाम अज़ा भी इसके अंदर मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। जी व्यूअर, तो ये जो मसाला जात हमने तैयार किए थे दही के अंदर वो सारे इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। जो हमारी कढ़ाई जो रेडी हो चुकी है उसके अंदर देखें हमारे टमाटर, उसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है, आल छोड़ना शुरू कर दिया टमाटर ने। उसके बाद हमने ये दही और मसाला जात जो है वो उसके अंदर शामिल किए हैं। अब इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे इधर। जी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त प्यारा जो है मसाला तैयार हो चुका है इसका। ये ग्रेवी के लिए बहुत ही शानदार टेक्सचर है ये माशाल्लाह, देखें आप आयल जो है उसने मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसके अंदर जो लेग पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे वो अभी इसके अंदर डालेंगे। जी और अभी हम जो लेग पीस जो हैं ये जो फ्राई किए थे ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इनको माशाल्लाह इधर हम थोड़ी देर मसाले के अंदर इसको प्रॉपर इसकी भुनाई कराएंगे। ऑलरेडी ये फ्राई तो हो चुके हैं लेकिन मज़ीद इसको हम थोड़ी देर हांडी के अंदर, हांडी का टेक्सचर देंगे इसको, इसको मिक्स करेंगे मसाले के अंदर चम्मच की मदद से हिला के इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हम मिक्स कर रहे हैं ताकि मसाला इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर ये जज्ब हो सके मसाला जो है। अभी ढकना दे के रख देंगे, ये अब मिक्स हो चुके हैं मसाले के अंदर प्रॉपर। अभी 5 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढकना दे के रखेंगे। ये 5 मिनट तक ढकना दे के रखेंगे, उसके बाद ढकना खोलेंगे, फिर आँच जो है आपने बिल्कुल लाइट कर देनी है। जी और 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, अभी कढ़ाई उतार ढकना उतार के देखते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है, ये ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, ये अंदर तक आपको नज़र आया गल चुका है ये सारा माशाल्लाह। जी और एंड पे हम खुशबू के लिए इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं माशाल्लाह, इससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। जी और अभी इसको हम डिश आउट कर रहे हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि लेग पीस जो हैं वो कितने शानदार लुक दे रहे हैं, एक एक जो है पीस वो बिल्कुल खड़ा खड़ा है, सही उसने है जिस तरह हमने डाला था वैसे ही है, मसाला जो है इसके अंदर तक ज़्यादा हो चुका है माशाल्लाह। जी पीसेज हम निकालेंगे उसके ऊपर, अभी देखें माशाल्लाह ये क्या ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी शानदार बनी है, कढ़ाई का टेक्सचर आप चेक करें, बहुत ही प्यारी लुक का आप खाएंगे माशाल्लाह, याद रखेंगे क्या चीज़ खाई आपने। जी व्यूअर, तो अभी हमने प्लेट के अंदर इसको डिश आउट कर लिया है, ये आज की हमारी लेग पीस की कढ़ाई जो है बहुत ही शानदार लुक दे रही है। आप घर पे बनाएं, ट्राई करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं कि ये आज की हमारी काविश आपको कैसी लगी,
और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए आप अगर कोई कीमती मशवरा देना चाहें तो उसके लिए भी हम आपके मुंतजर होंगे। अभी आपको चेक करके बताते हैं माशाल्लाह कि अंदर तक ये पीसेस कितने गले हुए हैं। ये एक ज़बरदस्त लुक है इनकी, देखें अंदर तक माशाल्लाह फुल मसाला इनके अंदर है, सारे फुल गले हुए हैं। एक एक जो चीज़ है आपको निखरी निखरी नज़र आ रही माशाल्लाह। तो उम्मीद है आज की हमारी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्त अहबाब अजीज़ वकारीब रिश्तेदारों सब तक इसको शेयर करना है और दूसरों तक इसको पहुँचाना है। हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती राह से हमें ज़रूर आगाह करना है। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे अगली एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर, तो आज देख सकते हैं कि हमने माशाल्लाह ये एक नए अनोखे तरीके से रेसिपी तैयार की है। नेट पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी, जितनी आप सर्च कर लें मर्जी। हमने इसको एक बेहतरीन ज़बरदस्त एक नए अंदाज में तैयार किया है। इसके अंदर डबल टेक्सचर है, ये फ्राई भी है, चिकन फ्राई भी है, साथ चिकन कढ़ाई भी है। आपको दोनों टेस्ट आएंगे, ये आप घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। हम आपकी कीमती राह के ज़रूर मुंतजर रहेंगे। इस वीडियो को आपने अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ वक़ारीब सबसे शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आज की हमारी काविश आपको कैसी लगी। अगले एक अच्छी और नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।